जब हम जीरो रेटेड गुड्स बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम उस बच्चे को बहुत आराम से ये समझाते हैं कि लेट अस से ये मार्कर एक जीरो रेटेड गुड्स है। अब इस जीरो रेटेड गुड्स को बनाने के लिए हम जो भी मटेरियल बाय कर रहे हैं और उस पर जो भी हमने VAT पे किया है, तो हाँ हम इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब जरा सोचें, इस जीरो रेटेड मार्कर को बनाने के लिए जो भी मटेरियल हमने पे किया, उस पर हम वैट तभी पे कर रहे होंगे जब वो मटेरियल खुद स्टैंडर्ड रेटेड होगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जीरो रेटेड गुड्स को बनाने के लिए अगर आप कोई रॉ मटेरियल बाय करते हो जो कि खुद स्टैंडर्ड रेटेड है, तो आपने डेफिनेटली वैट पे किया होगा, तो आप आराम से इनपुट वैट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाके कोर्स में फिर ये डायलॉग भी आता है, फिर बच्चा परेशान हो जाता है। ये डायलॉग जरा पढ़े, वी कैनॉट क्लेम इनपुट वैट ऑन जीरो रेटेड परचेजेस। अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आपने जीरो रेटेड गुड्स ही बाय किए, यानी जो खरीदी हुई, जो चीज़ आपने खरीदी है ना, वही जीरो रेटेड है, तो जरा सोचें एक मिनट, उस पर इनपुट वैट क्लेम नहीं हो सकता। क्यों? दलील क्या है? अगर आज मैं एक जीरो रेटेड गुड्स खरीद रहा हूँ, जीरो रेटेड गुड्स सप्लायर से खरीद रहा हूँ, तो मेरी जो जीरो रेटेड परचेज है वो किसी और की जीरो रेटेड सेल्स होगी, और जब किसी और ने जीरो रेटेड सेल्स की होगी, तो सोचें बेचते वक्त उसने मुझसे कोई VAT चार्ज नहीं किया होगा। इसका मतलब यह है कि खरीदते वक्त मैंने कोई उसको वैट पे भी नहीं किया होगा। तो जब मैंने इन जीरो रेटेड गुड्स खरीदते वक्त कोई VAT पे ही नहीं किया, तो जरा सोचो मैं किस मुंह से क्लेम करूंगा। मैं अक्सर क्लास में होता हूँ, वो मुंह तो दिखाओ मुझे, किस मुंह से आप क्लेम करोगे? आपने कुछ VAT पे ही नहीं किया खरीदते वक्त, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। तो ये बात याद रहे कि वी कैनॉट क्लेम इनपुट वैट ऑन जीरो रेटेड परचेजेस। तो इसमें बच्चे अक्सर मिक्सअप होते हैं, वो पहली वाली बात अलग चीज़ है और ये दूसरी बात अलग चीज़ है। इसका बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।